नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में होने के लिए जा रही है। बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाला यह टूर्नामेंट और आईपीएल 2020 का पूरा कार्यक्रम अब तय हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से भी आईपीएल 2020 को यूएई में होस्ट करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। लेकिन यहां पर आप सभी को पता है कि यूएई में आईपीएल 2020 हो रहा है तो सभी टीमों की प्लेइंग 11 हमें डेफिनेटली यहां पर बदली हुई दिखाई देने वाली है। और इस वीडियो में हम आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली आठों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से बड़े बड़े बदलाव हमें यहां पर सभी टीमों की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी कर रहे हैं आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और कैसीनो गेम्स की नॉलेज रखते हैं और उस नॉलेज से घर बैठे ऑनलाइन गेम्स खेलकर हजारों लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वरुण ऑनलाइन हब। यहां पर आपको मिलती है अनलिमिटेड विड्रॉल की 100% गारंटी। इनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की मेजबानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। तो आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपनी टीम में कुल 8 नए खिलाड़ियों को शामिल किया था, जो हैं आरोन फिंच, क्रिस मॉरिस, जोस फिलिप्स, केन रिचर्डसन, पवन देशपांडे, डेल स्टेन, शहबाज अहमद और इशरू उडाना। अब हम बात करते हैं आरसीबी की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो आईपीएल 2020 में आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे पार्थिव पटेल के साथ आरोन फिंच, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर क्रिस मॉरिस या फिर मोइन अली में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा, नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर डेल स्टेन, नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर नवदीप सैनी और नंबर 11 है पर युजवेंद्र चहल। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम में कुल 6 नए खिलाड़ियों को शामिल किया था, जो है क्रिस लिन, कुल्टर नाइल्स, सौरव तिवारी, मोहसिन खान, दिग्विजय देशमुख और बलवंत राय सिंह। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करते तो एमआई की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे रोहित शर्मा के साथ क्वेंटम डिकोक या फिर क्रिस लिन, नंबर 3 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, नंबर 5 पर किरण पोलार्ड, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या, नंबर 8 पर राहुल चहर, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट और कुल्टर नाइल में से हमें कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई देगा और नंबर 11 है पर लसित मलिंगा। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी टीम में कुल 8 नए खिलाड़ियों को शामिल किया था, जो है जैसन रॉय, क्रिस वोक्स, एलेक्स कैरी, सिमरन हेटमायर, मोहित शर्मा, तुषार देशपांडे, मार्कस स्टोइनिस और ललित यादव। अब हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे शिखर धवन के साथ पृथ्वी शो, नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर, नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 8 पर अमित मिश्रा, नंबर 9 पर कगिसो रबाडा, नंबर 10 पर ईशांत शर्मा और नंबर 11 है पर संदीप लामिछाने। उसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान सीएसटी की टीम ने कुल 4 नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया था, जो है सैम कुरन, पीयूष चावला, जोस हेजलवुड और आर साई किशोर। अब हम बात करते हैं सीएसटी की परफेक्ट 11 के बारे में। तो चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे शेन वॉटसन के साथ फाफ डुप्लेसिस, नंबर 3 पर सुरेश रैना, नंबर 4 पर अंबाती रायडू, नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 6 पर केदार जाधव, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर डीजे ब्रावो, नंबर 9 पर इमरान ताहिर, नंबर 10 पर दीपक चहर और नंबर 11 पर पीयूष चावला या फिर हरभजन सिंह भज्जी में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो केकेआर की टीम ने ऑक्शन के दौरान कुल 8 नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया था, जो है इयोन मॉर्गन, पैट कमिंस, सिद्धार्थ मजीमारन, क्रिस ग्रीन, टॉम बेंटन, प्रवीण तांबे, निखिल नायक और राहुल त्रिपाठी। अब हम बात करते हैं केकेआर की परफेक्ट 11 के बारे में। तो केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे शुभमन गिल के साथ सिदेश लाड, नंबर 3 पर नीतीश राणा, नंबर 4 पर इयोन मॉर्गन, नंबर 5 पर रिंकू सिंह, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर आंद्रे रसल, नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर सुनील नारायण, नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 है पर शिवम मावी। उसके बाद हम बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। तो आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान पंजाब की टीम ने अपनी टीम में कुल 9 नए खिलाड़ियों को शामिल किया था, जो है ग्लेन मैक्सवेल, सेल्डन कोटरेल, दीपक हुड्डा, ईशान पोरेल,
पटेल, रवि बिश्नोई, जेम्स निशम, क्रिस जोर्डन, तरजिंदर ढिल्लो और परमसिमरन सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की परफेक्ट 11 के बारे में। तो पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे क्रिस गेल के साथ केएल राहुल, नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल, नंबर 4 पर मनदीप सिंह, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर कृष्णप्पा गौतम, नंबर 7 पर जेम्स निशम, नंबर 8 पर दीपक हुड्डा, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर शेल्डन कोटरेल और नंबर 11 है पर मुर्गन अश्विन। उसके बाद हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान हैदराबाद की टीम ने अपनी टीम में कुल 7 नए खिलाड़ियों को शामिल किया था, जो है विराट सिंह, प्रियम गर्ग, मिशेल मार्स, बी संदीप, फेबियन एलन, अब्दुल समेद और संजय यादव। हम बात करते हैं हैदराबाद की परफेक्ट 11 के बारे में। तो हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे डेविड वॉर्नर के साथ जोनी बेस्टो, नंबर 3 पर केन विलियमसन, नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर विजय शंकर, नंबर 6 पर अभिषेक शर्मा, नंबर 7 पर राशिद खान, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर सिद्धार्थ कोल, नंबर 10 पर शहबाज नदीम और नंबर 11 है पर बसील थम्पी। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सबसे ज्यादा 10 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया था, जो है रूबिन उथप्पा, जयदेव उनादकर, यशस्वी जायसवाल, अनुज रावत, कार्तिक त्यागी, डेविड मिलर, ओशेन थॉमस, ए जोशी, एंड्रयू टाई और टॉम कुरन। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की परफेक्ट 11 के बारे में। तो आरआर की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे जोस बटलर के साथ मनन वोहरा, नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ, नंबर 4 पर रूबिन उथप्पा, नंबर 5 पर बेन स्टोक्स, नंबर 6 पर रियान प्रयाग, नंबर 7 पर सरेश गोपाल, नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 9 पर वरुण आरोन, नंबर 10 पर महिपाल लोमरोर और नंबर 11 है पर जयदेव उनादकर। तो आईपीएल 2020 में सभी टीमों की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी रहने वाली है, बहुत ही शानदार सभी टीमों की प्लेइंग 11 है। लेकिन आपको कौन सी टीम की प्लेइंग 11 लगी सबसे बेस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा ग्रेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।